सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता था। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो पहले सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता था, जिसके बारे में हमने पढ़ाई की थी, अब हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो एक प्लेन में मूव कर सकता है, मतलब एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है, वाई जेड प्लेन में मूव कर सकता है, ठीक है, किसी भी एक प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अगर वो एक प्लेन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसके मोशन की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसको समझने के लिए मैंने यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल ड्रॉ किया है। इसमें मेरे पास तीन पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल नहीं है, तीन पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल नंबर वन, ये पार्टिकल नंबर टू और ये पार्टिकल नंबर थ्री। पार्टिकल नंबर वन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है इन एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल 37 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वहीं पार्टिकल 2 3 मीटर पर सेकंड से वाई डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल 3 4 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि आफ्टर टू सेकंड्स इन तीनों पार्टिकल्स की पोजीशन कहां पर होगी, ये तीनों पार्टिकल्स कहां पर लोकेटेड होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है तीनों में से किसी पार्टिकल के पास, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या पार्टिकल वन इस स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकंड 10 मीटर ट्रेवल कर लेगा? आया ना, तो यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 10 मीटर के डिस्टेंस पे पार्टिकल पाया जाएगा इस लोकेशन पे आफ्टर 2 सेकंड्स, है ना, कोई दिक्कत? ये 10 मीटर है। अच्छा, अगर ये 10 मीटर है तो इस पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी बताइए तो जरा, एक्स और वाई कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? 10 cos 37 डिग्री आई, है ना, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा 10 cos 37 डिग्री, ये हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री कॉमा y कितना हो जाएगा इस पॉइंट का 10 sin 37 डिग्री। हाँ या ना, कोई दिक्कत है? आसान है ना ये तो। अब देखो cos 37 डिग्री कितना होता है, 4 by 5 होता है, तो 10 into 4 by 5 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 6। तो ये पार्टिकल 2 सेकंड के बाद कहां पाया गया, 8.6 पर। ठीक है, ओके, इस पार्टिकल के बारे में बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टिकल नंबर 2। पार्टिकल नंबर 2 कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हां 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 2 सेकंड के बाद कहां पहुंच जाएगा, सीधे वाई डायरेक्शन में जाता रहेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 2 सेकंड में, 3 × 2 = 6, तो ये कितना कहां पहुंच जाएगा 6 सेकंड्स पे हो जाएगा, सॉरी 6 मीटर पहुंच जाएगा। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 0.6। ये मैंने मान रखा ओरिजिन पर ही है, तीनों को ओरिजिन पे ड्रॉ नहीं कर पाता मैं, इसलिए मैंने अलग अलग ड्रॉ कर लिया। इनिशियल पोजीशन तीनों की ओरिजिन है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसको इधर बना लिया, 2 को और 3 को नीचे बना लिया। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो मुझे बताओ ये पार्टिकल नंबर 3 कहां पहुंचेगा, क्या 8.0 पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया 8.0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टी टाइम के बाद 2 सेकंड की जगह अगर मैं टाइम टी कर दूं तो ये पार्टिकल 3 कहां पहुंच जाएगा, 40.0, है ना, ये पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा टाइम टी के बाद 0.3t, क्योंकि यहां पे स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा, क्या जब ये पार्टिकल नंबर टू जब ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, तो क्या इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, आया ना, नहीं हो रहा ना,
एक्स कोऑर्डिनेट पहले कितना है, जीरो, अब कितना है, जीरो, अब कितना है, जीरो. तो जो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग है, उसकी पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा. अच्छा, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल नंबर थ्री देखते हैं, जिसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, इसके वाई के बारे में बात करते हैं. यहां पे वाई जीरो, यहां पे भी वाई जीरो, यहां पे भी वाई जीरो, इसका वाई चेंज नहीं हो रहा. मतलब हमने क्या देखा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से वाई चेंज नहीं होता, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से एक्स चेंज नहीं होता. ठीक है, कोई दिक्कत? ओके. एक और चीज पे अगर हम गौर करें तो ये पार्टिकल थ्री का पोजीशन है 8.0 दो सेकंड के बाद, और पार्टिकल टू की पोजीशन है 0.6 दो सेकंड के बाद, जबकि ये जो पार्टिकल वन था इसकी पोजीशन क्या थी, 8.6. समझ में आई बात? मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है. ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल थ्री के बराबर हुआ है और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल टू के बराबर हुआ है. तो क्या देखते हैं वेलोसिटी के लिए भी वह ट्रू है या नहीं है. इसकी वेलोसिटी देखते हैं, 5 मीटर पर सेकंड थी 37 डिग्री के एंगल पे, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 cos 37 डिग्री. cos 37 डिग्री कितना होता है, आप लोगों ने क्या बताया था मुझको, 4/5. तो ये कितना हो जाएगा, 5 cos 37 डिग्री, मतलब 5 × 4/5, दैट इज 4 meter per second, है ना. इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, 5 sin 37 डिग्री. sin 37 डिग्री कितना होता है, 3/5. तो ये कितना हो गया, 5 × 3/5, दैट इज 3 meter per second. तो मतलब क्या हुआ, देखिए जरा, इस पार्टिकल की, ध्यान देंगे, इस पार्टिकल वन की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पार्टिकल थ्री के बराबर है, हाँ या ना. तो इसके एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी इस पार्टिकल थ्री के एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है. समझ में आई बात? एक बार और ध्यान से सुनो, पार्टिकल वन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, पार्टिकल वन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पार्टिकल थ्री की वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के बराबर है. मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल वन की वेलोसिटी और पार्टिकल थ्री की वेलोसिटी इक्वल है, इसलिए एक्स डायरेक्शन के अलोंग देखिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, है ना. एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 8 है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी 8 है. वाई डायरेक्शन के बारे में बात करें तो पार्टिकल 1 की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी या पार्टिकल 1 की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पार्टिकल 1 की पार्टिकल 2 की वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के बराबर है. मतलब 1 की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और 2 की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इक्वल है, इसलिए वाई डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है. इसका 6, इसका भी 6 in 2 seconds. ठीक है, आपको लगेगा हो सकता है सर 2 seconds में कुछ खास हो गया हो, ऐसा क्या है. जनरल टाइम पे देख लेते हैं. जनरल टाइम टी पर मैंने क्या बोला, पार्टिकल थ्री की वेलोसिटी, पार्टिकल थ्री का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4t एक्स डायरेक्शन में. पार्टिकल टू का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 3t वाई डायरेक्शन में, है ना. ये हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके. पार्टिकल फाइव का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पार्टिकल वन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5t इस डायरेक्शन के अलोंग. तो यहां कहीं चला गया टाइम टी में, ये कितना हो गया टोटल यहां से लेकर यहां तक 5t. तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना, इसकी पोजीशन का एक्स कितना हो जाएगा, 5t cos 37 डिग्री, है ना. दैट इज 5t × 4/5, दैट इज 4t. और सिमिलरली वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 5t sin 37 डिग्री, दैट इज 5t × 3/5, दैट इज 3t. ठीक, तो आप देख सकते हो किसी जनरल टाइम टी पर भी, किसी जनरल टाइम टी पर भी इस पार्टिकल थ्री का एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 40 और पार्टिकल वन के एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 40 बराबर है. पार्टिकल टू के वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 3t और पार्टिकल वन की वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 3t बराबर है. मतलब हमने यहां क्या सीखा, हमने यहां यह सीखा कि अगर दो पार्टिकल्स का एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इक्वल है
तो दोनों का एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, इससे एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, इससे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी डिसाइड करेगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिसाइड करेगा। एक दूसरे पे एक्स डायरेक्शन की का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली मैं ये भी एस्टैब्लिश कर सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उससे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाई डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उससे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा समझ लीजिए सीधी भाषा में, सरल भाषा में, कि एक्स डायरेक्शन का मोशन, अब मोशन का मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जो भी सोच सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जो भी क्वांटिटी सोच सकते हो, एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात? एक्स में क्या हो रहा है इससे वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई में क्या हो रहा है इससे एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? एक्स अपना अलग बिजी है, वाई अपना अलग बिजी है, ना तो दोनों दोस्त हैं ना ही दोनों दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स डायरेक्शन के मोशन से वाई डायरेक्शन का मोशन घट जाएगा, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इससे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, ना इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। ठीक है, एक दूसरे से दोनों मोशन क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। एक्स का मोशन अलग चलेगा, वाई का मोशन अलग चलेगा। ये पार्टिकल जो टेढ़ा जा रहा है, क्योंकि मुझे आला टेढ़ा डायरेक्शन पसंद नहीं है, इसलिए तो मैंने कंपोनेंट सीखा था। ये पार्टिकल जो कि टेढ़ा जा रहा है, असलियत में ये एक मोशन नहीं कर रहा, ये दो मोशन कर रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। हम एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग सॉल्व कर लेंगे, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? सिर्फ इतनी सी बात है कि दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इस चैप्टर में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, बेसिक क्या होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक्स का मोशन अलग, वाई का मोशन अलग, ये इकलौता कॉन्सेप्ट है। एक बात बता देता हूं, कोई होशियार बच्चा इसके बाद, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, ये पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकता है बिना किसी टीचर की मदद के। ठीक है, ये एक सेंटेंस इस चैप्टर की पूरी फिजिक्स है, इसके आगे सिर्फ मैथ्स है। फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले ड्राइव होके आएंगे, अपने आप जादू से नहीं आएंगे। हालांकि मैं पहले लिखवा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, उसके बाद ड्राइव करूंगा, बट फिर भी फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले याद करने होंगे। फिजिक्स का कोई भी नया कॉन्सेप्ट अब इस चैप्टर में नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या? एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आई बात? और कुछ मतलब ही नहीं है। एक्स में जो हो रहा है उसको वाई से मतलब नहीं, वाई में जो हो रहा है उससे एक्स को मतलब नहीं। ध्यान दो। तो फिर पार्टिकल की एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए पार्टिकल की वाई की कोई भी वैल्यू ले सकता है, आया ना? पार्टिकल का एक्स का कोई भी पोजीशन है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब भी मैं किसी पार्टिकल को फेंकता हूं, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं, प्रोजेक्टाइल आपको पता नहीं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मान लीजिए मैं एक पत्थर को फेंकता हूं, तो पत्थर का रास्ता तो फिक्स है। अगर मैंने पत्थर को एक बार फेंक दिया, उसका रास्ता तो फिक्स है, मतलब उसका एक्स और वाई के बीच में देयर इज सम रिलेशन। जब उसके एक्स की एक वैल्यू होगी, वाई की पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होगी, है ना? और मैं कह रहा हूं एक्स और वाई में कोई मतलब ही नहीं, आपस में कोई मतलब ही नहीं, एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि एक्स और वाई का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फिर भी पाथ फिक्स होने का कारण है, दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, दैट इज टाइम। एक्स भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है और वाई भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, समझ में आई बात? दोनों का कॉमन फ्रेंड क्या है? टाइम। दोनों इंडिविजुअली, एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन, दोनों ही इंडिविजुअली किस पर डिपेंड कर रहे हैं? टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? टाइम चेंज होगा, एक्स भी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, इस वजह से देयर इज सम इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज करने से वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा या वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, ये नहीं है। दोनों के दोनों, एक्स डायरेक्शन का मोशन, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करेंगे। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेंगे, ठीक है? दोनों का कॉमन फ्रेंड क्या है? टाइम। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि दोनों के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? टाइम पर। अब इस चैप्टर का कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, या बड़ा छोड़ो पहले बेसिक करेंगे, कोई बेसिक क्वेश्चन भी आ जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे चाहे एक्स पूछा जाए, चाहे वाई पूछा जाए, चाहे कुछ और पूछा जाए, अगर आप क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर रहे हो और फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं हो, फॉर्मूला डिपेंडेंट अगर आप इस चैप्टर में चलोगे तो स्कूल में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? आपके 11th में ठीक ठाक नंबर से पास पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ सीखोगे नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक को नंबर नहीं आएगा, समझ में आई बात? फॉर्मूलाज याद करना जरूरी है, फॉर्मूले याद करना जरूरी है इस चैप्टर में, बट फॉर्मूले के बेसिस पे इस पूरे चैप्टर को नहीं चलाया जा सकता। तो अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व कर रहे हो, कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉन्सेप्ट तो एक ही है, क्या? एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर आप इस चैप्टर को इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करना चाहते हो, जो कि सही तरीका है इस चैप्टर को पढ़ने का, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना होगा? हर बार कॉमन फ्रेंड को पकड़िए, टाइम को निकालिए किसी भी तरीके से, उससे पूछिए बता एक्स किधर है, बता वाई किधर है, वो बताएगा, समझ में आई बात? क्वेश्चन में एक्स पूछा जाए, वाई पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए, ये पूछा जाए, वो पूछा जाए, आप क्या पकड़ोगे हर बार? टाइम। टाइम पकड़ लिया, टाइम को सब पता है, समझ में आई बात? टाइम का गला दबाइए, टाइम की क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो सारे जवाब देगा, समझ में आया? अगर कोई भी राज खुलवाना है तो टॉर्चर किसको करोगे? टाइम को करोगे, समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी आप इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्स डायरेक्शन का मोशन वाई डायरेक्शन पे डिपेंड, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चेंज, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और क्या होता है? दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? टाइम क्या है? कॉमन फ्रेंड है। अगर दोनों का एड्रेस चाहिए, अगर पार्टिकल का एड्रेस चाहिए, अगर आपको पता लगाना है पार्टिकल का एक्स कितना है, पार्टिकल का वाई कितना है, तो किसका गला दबाओगे? टाइम कॉमन फ्रेंड है, टाइम को दोनों का एड्रेस पता है, बस यही पॉइंट्स है। आपको इसमें से दो जो अच्छे लगे लिख लो अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एज शोन इन डायग्राम। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस बिकम्स 30 मीटर।
ध्यान दो, ये क्वेश्चन सॉल्व तो आप लोग कर लोगे मुझे पता है, पर इसमें समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में यहां पे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 30 मीटर। तो मुझे जब वाई का डिस्प्लेसमेंट 30 है उस वक्त एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा गया, तो मतलब एक्स और वाई डिपेंड कर रहे हैं क्या एक दूसरे के ऊपर? नहीं। क्या करना होगा हमें, हमें ये पता है दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, टाइम पर। तो वाई डायरेक्शन यूज करके हम क्या निकालेंगे, टाइम, और उस टाइम का यूज करके क्या निकालेंगे, एक्स। यही क्रक्स है इस चैप्टर का। एक डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता होगा, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज पता होगा, एक डायरेक्शन में कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, उसका यूज करके टाइम निकालो, उस टाइम का यूज करके दूसरे डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मोशन जो भी निकालना है निकाल लो। ठीक है, यही क्रक्स है इस चैप्टर का। कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल 30 डिग्री, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन का कितना होगा 10 cos 30 degree, 10 cos 30 degree मतलब 5√3, क्योंकि cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 10 sin 30 degree, दैट इज 5। तो वाई डायरेक्शन में 5 meter per second, एक्स डायरेक्शन में 5√3 meter per second, ये वेलोसिटी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, तो y डायरेक्शन की क्वेश्चन लिखते हैं, y के अलोंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 मीटर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 meter per second। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। दिस इंप्लाइज टाइम कितना हो गया, 6 seconds हो गया। कोई दिक्कत? और x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, x डायरेक्शन के अलोंग अगर देखें तो हमें पता है वेलोसिटी कितनी है, 5√3 meter per second, और टाइम कितना दे रखा है, 6 seconds दे नहीं रखा है, हमने निकाला है यहां से, ये 6 seconds यहां यूज किया, और इससे हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन निकाल सकते हैं कितना, vt, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, vt कितना हो जाएगा, 5√3 × 6 इज 30√3 meter per second। इस तरीके से पार्टिकल, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर, 30√3 meter, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 30√3 meter। ये आपका आंसर है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया? वाई डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लो, एक्स डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लो, क्वेश्चन डन। ठीक है, पार्टिकल कितने मोशन कर रहा है, असली में तो एक ही कर रहा है, बट उसको हम समझ कैसे सकते हैं, बाय अज्यूमिंग कि पार्टिकल दो मोशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप, फाइंड एक्स कॉमा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब टाइम 2 सेकंड पे आपको पार्टिकल के पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है और वेलोसिटी वेक्टर भी बताना है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये हो गया कि एक्स इज इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर, और y कितना है, 40, है ना, हाँ है ना। अब देखो x अगर t स्क्वायर है और y 40 है, तो मुझे पहले तो पूछा गया फाइंड x एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो मैं इसका आंसर तो तुरंत दे सकता हूं, देयरफॉर पोजीशन एट 2 सेकंड्स इज 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो x तो आ गया, वेलोसिटी बतानी है। अगर x t स्क्वायर है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू 2t, हाँ या ना, हाँ या ना, ये लिख सकता हूं ना मैं, पक्का, ओके। देयरफॉर
वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एट 2 सेकंड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत है? ओके, तो x की वैल्यू भी निकाल ली 4 मीटर, x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी निकाल ली 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन भी चाहिए होगा, y पता है 40 है, तो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, dy by dt। समझ में आ रही बात? y डायरेक्शन की वेलोसिटी का मतलब क्या है, y किस रेट से चेंज हो रहा है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी का मतलब क्या है, x किस रेट से चेंज हो रहा है। सो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज dy by dt, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को जोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 4i cap + 4j cap meter per second। देखिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे दोनों की वेलोसिटी, दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, वैसे इसको सॉल्व करने का, इसमें वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका है, डायरेक्ट तरीका। हमें क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t j cap, है ना। वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ddt ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। दिस इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, I cap तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो क्या हो गया 2t I cap प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 j cap। therefore velocity at 2 seconds is equal to कितना हो जाएगा, 2 × 2 4i cap + 4j cap, अगर ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड। समझ में आया या ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो यहां मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने क्या किया, यहां पर मैंने x डायरेक्शन का मोशन अलग कंसीडर किया, y डायरेक्शन का मोशन अलग कंसीडर किया, ठीक है, और दोनों को जोड़ के अल्टीमेटली वेलोसिटी बता दी। यहां मैंने डायरेक्टली पूरे मोशन को कंसीडर करते हुए डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल दिया। देखिए नाउ ये वाला तरीका इस तरीके के क्वेश्चंस के लगता है, ये तो आसान है, जबरदस्ती सर इतना बड़ा मेथड बता रहे, इतना बड़ा मेथड मैं क्यों करूं सर, जब मैं इतने छोटे से कर सकता हूं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तरीका फास्टर है, जहां आपको एक्स और वाई दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखे ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट हर बार आप ये काम कर ही नहीं पाओगे, आप एक्स डायरेक्शन का, यही तो निकालने में दिक्कत है ना, ये कैसे निकले, ये क्वेश्चन निकालने में तो दिक्कत होती है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे नहीं रखा है, वही निकालना है, ठीक है, इतने टाइम के बाद पार्टिकल कहां होगा ये बताना है। तो इसलिए हमें ये वाला मेथड हमारे हर क्वेश्चन में काम नहीं करता है, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में काम करता है जहां पहले से पोजीशन या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा मुझे बताओ इस केस में क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन के भी दो डायरेक्शन होंगे, एक्स डायरेक्शन भी होगा और वाई डायरेक्शन भी होगा, एक्स क्या हो जाएगा डीडीटी ऑफ वीएक्स, हाँ है ना, एक्स क्या हो जाएगा डीडीटी ऑफ वीएक्स, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं अलग से बता रहा हूं, दैट इज इक्वल टू डीडीटी ऑफ 4 2t, डीडीटी ऑफ 2t, डीडीटी ऑफ 2t दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट बता सकते हो। एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना हो जाएगा, डीडीटी ऑफ वीवाई, है ना, दैट इज इक्वल टू वीवाई कितना है, देखिए वीवाई कांस्टेंट है 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप, दैट्स इट। देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इस केस में, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं।
समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, एक और बात सीखने वाली, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। समझ में आई बात? क्लियर है ना एकदम? कॉपी कर लो। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो भाई, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये इस चैप्टर का इतना बड़ा पोर्शन है कि इसके बाद इस चैप्टर के अंत तक हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे, ठीक है? मोशन इन अ प्लेन के जितने कॉन्सेप्ट हो गए, अब हम लोग सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट इतना बड़ा पोर्शन है इस चैप्टर का ये कि इस चैप्टर का नाम ही कई लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है, उसके लिए पहले प्रोजेक्टाइल समझते हैं। प्रोजेक्टाइल का सीधा सा एक मतलब है, कोई कॉम्प्लेक्स मीनिंग नहीं है। प्रोजेक्टाइल मीन्स फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो हम क्या कहते हैं उसको? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बिल्कुल पढ़ चुके हो, मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ चुके ना हम लोग, एक बॉल को ड्रॉप किया, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल है ना? पर उस वक्त हमने प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल केस पढ़ा था जिसमें मोशन पूरा एक स्ट्रेट लाइन में था, जिसमें मोशन क्या था? एक स्ट्रेट लाइन में था पूरा मोशन, बॉल को ड्रॉप किया सीधे नीचे गिर गया, ठीक है? ऐसा केस पढ़ा था जिसमें मोशन एक स्ट्रेट लाइन में था, बॉल को सीधे ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई वापस सीधे नीचे आ गई, एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो फ्री फॉलिंग होगा और उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। क्यों? हम कुछ ऐसे केसेस कंसीडर करने वाले हैं जिसमें हम पार्टिकल को इस तरीके से ग्राउंड से ऐसे पत्थर को मान लेते हैं, ऐसे फेंक दिया वेलोसिटी यू से, ठीक है? तो इसका मोशन कैसा होगा? ये पार्टिकल इस तरीके से जाएगा और वापस ग्राउंड पे गिर जाएगा। क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन में है? नहीं है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल का ये वाला केस पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल का वैसे तो मीनिंग क्या होता है? सिंपली फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? अच्छा, फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? नो अदर फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। समझ में आई बात? सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। अब देखो, अगर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी, दैट इज mg, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सिंपली g, या g वेक्टर कर देते। ये g किधर होगा? नीचे की तरफ होगा कि नहीं? है ना? पार्टिकल के पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा किधर रहेगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। कितना? जी 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 जी, ठीक है? हाँ या ना? देखिए, ये बात एकदम सही है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, पर इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, अदरवाइज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म करने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए, हम जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ते, हम एक स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं अंडर सर्टन अजम्पशंस। वो अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन ये है, सबसे पहला, कि आपका जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो एयर रेजिस्टेंस को फील नहीं कर रहा।
उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, एयर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ऑब्वियसली ऊपर लिख ही दिया नो अदर फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी. तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है, नो एयर रेजिस्टेंस और एनी अदर काइंड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय एयर और एनीथिंग एल्स. ठीक है, सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है. एक और अजम्पशन होगा, प्रोजेक्टाइल इज शॉर्ट रेंज्ड. आप बोलोगे शॉर्ट रेंज्ड का मतलब सर, जो प्रोजेक्टाइल का रेंज है ना वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है. ठीक है, क्यों, अदरवाइज जी की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, आया ना. अगर हम मान लेते हैं हमने प्रोजेक्टाइल बहुत लंबा फेंका है हमारे नेताओं की तरह, ठीक है, अगर हम यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाकर ऐसे आ जाता है. ठीक है, हंस क्या रहे हो भाई, मिसाइल तो बनाते हैं अपन लोग ऐसे ही है ना, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे घूम के ऐसे आके गिरता है. ठीक है, तो देखो यहां पर अगर आप ये भी मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तब भी देखिए यहां पर जी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा अर्थ के, इस तरफ होगा, और यहां पर जी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, वैसे हाइट के साथ भी जी चेंज होता है आपको पता है ना. अगर आप, अगर हमारी हाइट बहुत ज्यादा हो जाए रेडियस के कंपेरेबल हो जाए तो उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा. तो हम ये दोनों ही चीजें नहीं चाहते. हमारा अजम्पशन क्या है, एक तो जी यूनिफॉर्म है, जी यूनिफॉर्म का मतलब शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल है, दूसरा कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. इन अजम्पशंस के अंदर ही हम इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ेंगे. ये सब चीजें साथ साथ कॉपी करते रहा करो. ये केस हम लोग नहीं पढ़ते, इसको इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. कॉपी कर लिया, ओके. तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहला, सबसे साधारण, सबसे बेसिक क्वेश्चन, मेरे पास दो बॉल्स हैं, बॉल वन बॉल टू. एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, एक बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया वेलोसिटी यू से. बताना है कि दोनों में से कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी, बॉल वन या बॉल टू. बॉल वन पहुंचेगी ना, क्यों, देखो बॉल वन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है और बॉल टू इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल करके गिरेगा, राइट, है ना. तो कौन सा पहले गिरेगा, वन या टू, वन पहले गिरेगा ना, ऑब्वियसली यार. देखो हो सकता है आप में से कुछ लोग घबरा रहे हो कि सर अगर इतना सिंपल होता तो आप पूछते थोड़े ना. तो यार ये लॉजिक एग्जाम में काम करता है क्या, नहीं ना. तो इस लॉजिक को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, इस लॉजिक को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका सर ने सवाल पूछा है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये तो छोड़ दीजिए. ठीक है, अब बताइए अपने दिमाग से, अपनी अक्ल से, लॉजिकली सोच के कि वन और टू में से कौन सा बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा. लॉजिकली वन लग रहा है ना, क्यों, वन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, टू को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है. अच्छा मैं काम करता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स मान लेता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई मान लेता हूं. ठीक है, मैं बॉल वन के बारे में बात करता हूं, दोनों की हाइट तो बराबर है, ये एच और ये भी एच है ना. मैं बॉल वन के बारे में बात करता हूं अलोंग वाई डायरेक्शन. y डायरेक्शन में बॉल वन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, उसको बस ड्रॉप किया हमने, तो uy कितना हो जाएगा, जीरो है ना. एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना होगा बॉल वन का, बताइए तो जरा, माइनस जी है ना.
नीचे की तरफ जी है तो माइनस जी हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना आएगा, एच नहीं आएगा बेटा, माइनस एच आएगा, नीचे गया ना पार्टिकल किधर, कितना हो जाएगा माइनस एच। ओके, क्या मैं इससे टाइम निकाल सकता हूं? हाँ सर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, फॉर्मुला लगाएंगे कौन सा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं बिल अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ऐसे छोड़ दे रहा हूं। मैं बॉल टू के बारे में बात करता हूं अब। बॉल टू, अगर मैं इसकी कहानी देखूं अलोंग वाई, तो अलोंग वाई बॉल टू कैसे बिहेव कर रहा है ये समझते हैं। बॉल टू की वाई डायरेक्शन के में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है ना, हाँ है ना, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, शून्य, तो यू वाई है जीरो। एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका, ग्राउंड तो नीचे ही खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका हर जगह कितना है, नीचे की तरफ ही है, जी। जी किस तरफ है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना, माइनस जी, है ना। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट ये है ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, वो ठीक है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इसके दो डिस्प्लेसमेंट, एक नीचे वाला और एक एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, माइनस एच ही है ना, तो इससे ही मैं टी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, हाँ है ना। अब जरा गौर करिए, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, है क्या, दोनों एक ही बात बात कह रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो बात को समझो, मैंने आपको पहले भी कहा था एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन के मोशन को कोई फर्क, तो यहां जब पार्टिकल को मैंने जब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दी तो वाई डायरेक्शन के मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो टाइम कैसे चेंज होगा, कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इन शॉर्ट इतना लिखेंगे थोड़ा ना हर बार, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बिकॉज बोथ पार्टिकल्स हैव आइडेंटिकल मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, बोथ पार्टिकल्स हैव आइडेंटिकल मोशन अलोंग y direction, therefore both will take equal time to reach the ground. समझ में आई बात, कॉपी कर लो। चलो कॉपी कर लिया सबने, कॉपी कर लिया, चलो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बढ़ेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन का वो सबसे कॉमन केस, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे, एक बच्चे ने, ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे ने पत्थर फेंका ग्राउंड पर खड़ा होके, और जिस हाइट से पत्थर को फेंका है ना, वापस से पत्थर उसी हाइट पर जाके गिर गया है, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड पर खड़ा होकर फेंका वापस ग्राउंड पर गिर गया, ठीक है, छत पे खड़ा होकर फेंका तो उसी छत पे वापस गिरा है, ठीक। मतलब आपका जो पत्थर है उसकी इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम है, हम उन मोशन के बारे में बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और आपके पास जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना इस चैप्टर में, सारे इसी स्पेशल केस के लिए होते हैं, आपको लगता है यही प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले, उन जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे मोस्टली इसी केस के लिए पढ़ते हैं, और लोगों को वो फॉर्मूला याद होता है, उनको लगता है उनको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, बाकी केसेस का क्या, जब छत से फेंका ग्राउंड पे, या ग्राउंड से फेंका छत पे, या पहाड़ पे फेंका टेढ़े वाले इंक्लाइन प्लेन पे फेंका, समझ में आई बात, उन सबको भी तो पढ़ना होगा ना। तो इसलिए इस चैप्टर में जितना कम फॉर्मूले पे आप डिपेंड करोगे उतना आपका भला होगा, ठीक। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हमने ये केस लिया है जिसमें एक पार्टिकल है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंक दिया है एट एंगल थीटा विथ होरिजॉन्टल, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का, एक्स नहीं बोलिए,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। इसको अब मुझे इस मोशन की स्टडी करनी है, ठीक है। इस मोशन में कुछ खास टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्या क्या। सबसे पहले तो ये कितनी देर तक हवा में रहा, टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पे आके गिरा, कितनी देर पर इसको लग रहा, कितनी देर तक इसको लग रहा था कि ये उड़ सकता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, और तीसरा ये कितनी दूर जाके गिरा। बेसिकली आपके पास इन्हीं तीन चीजों का फॉर्मूला होता है। मैं ये फॉर्मूले अभी ड्राइव नहीं करूंगा और ना ही मैं ये फॉर्मूला अभी बताऊंगा। मैं सिर्फ अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हो क्या रहा है ये समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस पार्टिकल के पास इनिशियली एक वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी, कितना होगा ये यू कॉस थीटा होगा, हाँ या ना, और एक वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी होगी, कितना हो जाएगा ये यू साइन थीटा। देखिए मैंने बोला नहीं, बट आपने खुद ही अज्यूम कर लिया कि ये वाला एक्स डायरेक्शन है और ये वाला वाई डायरेक्शन है। हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स ले लिया, वर्टिकल को वाई ले लिया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सर हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं और वर्टिकल किसको कहते हैं? हंसने वाली बात नहीं है, मैं पूछ लूंगा, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। यहां पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल? चौका लगी, अंपायर ने चौके का सिग्नल दे दिया है, क्या है ये? हाँ, वर्टिकल क्या होता है? ये तो कोई सिग्नल भी नहीं है क्रिकेट में। हाँ, समझ में आई बात? किसी को पता वाता है नहीं, बस हंस रहे हो कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। समझो बात को, वर्टिकल इज द डायरेक्शन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है उसको वर्टिकल कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? पता था पर लिख नहीं सकते थे, है ना। वर्टिकल क्या हो गया, ये वर्टिकल लाइन क्या हो गई, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अलोंग ग्रेविटी काम करती है, और इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, 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 है ना। तो इसमें से कौन सा सही में वर्टिकल डायरेक्शन? हाँ, इसमें कौन सा सही में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है? बात ये सारी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एक प्लेन होता है, समझ में आई बात? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? प्लेन होता है, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल है इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है और वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, ठीक है। और पूरे मोशन के दौरान क्या कोई फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या इसका एक्सेलरेशन चेंज होगा? नहीं होगा। इस पूरे रास्ते में हर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, जी जी जी। पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है बट इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जी। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जी। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जी। और जब पार्टिकल टकरा रहा था उससे जस्ट पहले भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, कितना, जी। समझ में आई बात? हर जगह इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पूरे मोशन में इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ। ये तो सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज इस पूरे मोशन के दौरान, मैं दोबारा, मेरे पास एक और डायग्राम बना हुआ है उसमें बता देता हूं, इस पूरे मोशन के दौरान इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये भी चेंज नहीं होगा। यू कॉस थीटा यहां भी रहेगा, यू कॉस थीटा यहां भी रहेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना? नहीं होगी।
टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी x डायरेक्शन में, यहां पे रहेगी u cos थीटा, यहां पर रहेगा u cos थीटा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी इसका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक्सेलरेशन ही नहीं है x डायरेक्शन में, सारा का सारा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। इसलिए मोशन जो है वो x डायरेक्शन में कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ध्यान दीजिए, x डायरेक्शन का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। इवन दो ये जो मोशन है दिखने में बिल्कुल यूनिफॉर्म लग नहीं रहा, पर x डायरेक्शन का कंपोनेंट इस मोशन का क्या है? यूनिफॉर्म है। x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। समझ में आई बात? आया ना? अब देखो y डायरेक्शन की वेलोसिटी वो चेंज होगी। y डायरेक्शन की वेलोसिटी की सोचिए, यहां पर कितनी थी? u sin थीटा थी, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ या ना? क्या y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन y डायरेक्शन की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है? आवाज नहीं आ रही मुझे, है ना? तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगा? y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी घटी और घटी, यहां कितनी हो गई? जीरो। समझ में आई बात? यहां vy चेंज हो रहा है, vy पॉजिटिव था, कम हुआ पॉजिटिव में और कम हुआ, जीरो हो गया। ध्यान दीजिएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी जीरो नहीं होती। वेलोसिटी कितनी होती है? u cos थीटा के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती नहीं टाइम के साथ, पर क्योंकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से पार्टिकल को वापस नीचे आना है, उस वक्त तक ऊपर गया, उसके बाद नीचे आएगा, इसलिए उस टाइम पर वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां पे कितना हो गया? जीरो। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां पे हो गया नेगेटिव, यहां पे हो गया बड़ा नेगेटिव, यहां पे हो जाएगा और बड़ा नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल यहां पे टकराते हो, कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा कितना? बड़ा नेगेटिव। ऐसा, ठीक है, नेगेटिव में बढ़ता गया। एक चीज बताइए, ये आपने पढ़ा होगा शायद, मोशन में मैंने पढ़ाया तो था, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये मुझे पता नहीं। अगर मैं किसी पार्टिकल को सीधे ऊपर फेंकूं 20 मीटर पर सेकंड से, तो पार्टिकल वापस नीचे कितनी वेलोसिटी से आता है? 20 से आएगा, डायरेक्शन नीचे वाला होगा, है ना? तो यहां पर भी तो वर्टिकल डायरेक्शन मैंने फेंका है यू साइन थीटा से, तो वापस कितने से आएगा? बस यू साइन थीटा इस पर किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। और इस वजह से अगर मैं यहां पर इसकी वेलोसिटी ड्रॉ करता हूं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? थीटा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? हाँ या ना? जितने एंगल पे फेंकोगे उसी एंगल से वापस आएगा। एक और बात, अगर मैं पार्टिकल को ऐसे फेंकता हूं वेलोसिटी यू एंगल थीटा पर, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करते 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 नीचे आया, यहां के गिर गया, यही हुआ ना मोशन इसका। समझ में आई बात? आया ना? इस मोशन को देखना ही बंद कर देंगे हम लोग। पार्टिकल का ये मोशन हुआ है मुझे पता है, पर मुझे ये मोशन समझ में आता नहीं, क्यों? आड़ा टेढ़ा है। मैं क्या बोलूंगा? पार्टिकल एक साथ कितने मोशन किया? दो मोशन किया। कौन सा? एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाके नीचे आ गया, अरे मेरा इंक खत्म हो गया क्या? एक तो पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर जाके नीचे आ गया, और साथ ही साथ आगे चला गया, है ना? क्या हुआ? ध्यान दीजिए, पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया, साथ ही साथ आगे बढ़ गया, ऊपर जाके नीचे आया, साथ ही साथ आगे बढ़ गया, ऊपर जाके नीचे आया, साथ ही साथ आगे बढ़ गया, ऊपर जाके नीचे आते वक्त साथ साथ आगे बढ़ता गया। ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दो मोशन देखेंगे, x डायरेक्शन का अलग, y डायरेक्शन का अलग, प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? अब धीरे धीरे सब कॉपी कर लीजिए आप, पहले ये वाला डायग्राम दिखा दे रहा हूं, ये दो डायग्राम दिखा दे रहा हूं।
चलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला वाला कॉपी कर लीजिए। अच्छा मेरे ये यू कॉस थीटा शायद थोड़ा नीचे झुका झुका सा लग रहा है, सबको हॉरिजॉन्टल बनाइएगा प्लीज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना? सब कॉपी कर चुके हैं। तो देखो एक और बात समझ लो, ये बताइए जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, और नीचे आते वक्त डिक्रीज हो रहा था। क्यों? हाइट डिक्रीज हो रही ना, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। आप मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर मिनिमम होगा है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप मिनिमम, एनर्जी कंजर्वेशन है ना। ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही है। वैसे भी देखिए वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या हुआ? वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हुई मतलब ओवरऑल वेलोसिटी भी डिक्रीज हुई, ओवरऑल स्पीड भी डिक्रीज हुआ। स्पीड डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते वक्त डिक्रीज हुआ देन नीचे आते हुए फिर से इंक्रीज हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है? Vy तो जीरो है ना, Vx u cos थीटा के बराबर ही है, वो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब V क्या है? ये मिनिमम है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर सीधे पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है? यू कॉस थीटा। समझ में आया? कॉपी कर लो। अब हम लोग कुछ खास बातें जो हमने पढ़ी उसको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में लिखेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग ए आएगी, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग मेरी मदद करेंगे इसको भरने के लिए। हो सकता है मेरे पास जो आंसर है आपके पास उसके अलावा कोई और आंसर भी हो जो सही भी हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट। एंड अलोंग वाई नहीं बोलते, वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन वाई नहीं बोलते, क्योंकि वाई तो मैं जिधर मर्जी उधर मान सकता हूं ना, एक्स और वाई तो मैं जिधर मर्जी उधर मान सकता हूं, मैं वर्टिकली अपवर्ड को जेड भी मान सकता हूं, ठीक है। बट किधर है, हम यहां क्या लिख रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्यों? क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, दूसरा पॉइंट, द वेलोसिटी इज ऑलवेज कैसा टू द पाथ? किस डायरेक्शन में होता है पाथ के करस्पॉन्डिंग? टेंजेंट के लॉन्ग होता है, टेंजेंशियल है ना, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है ना। अब आप बोलोगे सर आपने तो ड्रॉ करके दिखाया ही नहीं, आपने डायग्राम में तो ड्रॉ करके दिखाया नहीं। अरे ये तो पहले से बताया ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा किधर होती है? पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होती है। इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज कांस्टेंट, ये पहले भी लिख चुके, बट वर्टिकल कंपोनेंट वेरीज, ठीक है। समझ में आया? अगला, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीरो बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज स्टिल यू कॉस थीटा, देयरफॉर स्पीड इज
मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट, सो इज काइनेटिक एनर्जी. समझ में आई बात? कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं पॉइंट्स? अगला है हमारा टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. देखिए, मैंने आपको बताया था तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सवाल कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हमने पता किससे पूछा? ये हमने खुद उस बंदे से पूछा जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था. आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है? सर्कस का जोकर जिसको तोप में भर के फायर कर देते हैं, आया ना? तो मान लो ये मेरे पास सर्कस का जोकर है, ये आपका जो भी जोकर है, ध्यान दीजिए, इसको तोप में भरा और फायर कर दिया, तो क्या फायर करके छोड़ दोगे? हाँ, देखो, जब इसको फायर कर रहे होगे, डर कौन रहा होगा, ये जोकर या जो आग लगा रहा है वो? पागल हो गया, जोकर डर रहा होगा, कैसी बात कर रहे हो? ऑब्वियसली जोकर डर रहा है, राइट? मतलब ये अच्छे से डरा हुआ है, भैया क्या होगा, तो जीवन खत्म होने वाला है, जीवन खत्म होने वाला है, इसको क्या लगेगा, जीवन खत्म होने वाला है, तो ये क्या सोच रहा होगा, अब कितनी देर और जिंदा रहूंगा, है ना? तो कितनी देर और जिंदा रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर. ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा सवाल क्या पूछेगा, अबे यार ठीक है मर रहा हूं, कोशिश तो कर लो बचाने की. कैसे बचाएंगे? आगे यहां पर नेट लगाकर, तो नेट कहां लगाना है, नेट कितनी दूर लगाना है, रेंज आर. तो दो चीज इंपॉर्टेंट हुई, क्या क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज. एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ जोकर को नजर आ रहा है और किसी को नजर नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं बीच रास्ते में छत से टकरा के मर जाऊंगा, आया ना? तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम हाइट जो है जो की या प्रोजेक्टाइल को कहीं छत की हाइट से ज्यादा तो नहीं है. तो जब तक आप ये तीन चीजें कैलकुलेट करके नहीं दोगे, तब तक जोकर अंदर बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा ना. इसलिए ये तीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में. क्या क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट. सही में ऐसा नहीं कि जोकर नहीं बोला, बात समझो. ठीक है, अब इनको कैसे निकाला जाए? इनको निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना है, आसान सा ही है. वेलोसिटी यहां पर कितनी है? U. इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ U cos थीटा और दूसरा ऊपर की तरफ कितना U sin थीटा, आया ना? अब देखो, सबसे पहले मैं किसको पकड़ता हूं, सबसे कॉमन, सबका कॉमन फ्रेंड क्या है? टाइम है. टाइम का गला दबाव सब कुछ उगलता है वो, तो मैं बात करूंगा टाइम के बारे में. देखिए, टाइम कौन डिसाइड करेगा, एक्स डायरेक्शन का मोशन या वाई डायरेक्शन का मोशन? देखिए, मोशन दो हो रहे हैं, एक ये है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से होता जा रहा है, दूसरा वो है जो वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर जाके नीचे आता है. आप खुद मुझे बताइए कौन सा डायरेक्शन मोशन डिसाइड करेगा, मोशन का टाइम डिसाइड करेगा. नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी देख लो. हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि इस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों लिखना चाहते हैं हम लोग. एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कितना है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा. एक्सेलरेशन कितना है, जीरो. डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये रेंज के बराबर है जो कि हमें निकालना है. टाइम भी हमको पता नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है. तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं ना. कोई भी इक्वेशन लग रही है क्या? नहीं ना. वाई डायरेक्शन में देखते हैं, वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है भाई? सर यू साइन थीटा है. एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है? सर तो माइनस जी हो गया. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन कितना है? सर घूम फिर को वापस अपनी जगह पे आना वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो कितना हो जाएगा, जीरो.
क्या अब इसका टाइम निकाल सकता हूं? हाँ या ना, निकाल सकता हूं कि नहीं? तो आप खुद बताइए, टाइम कौन डिसाइड कर रहा है? क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, डिस्प्लेसमेंट, जो एक्स डायरेक्शन में नहीं पता। समझ में आई बात? वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है इस केस में, जो वाई डायरेक्शन में नहीं पता, इसलिए यहां पर टाइम कौन बताएगा? वाई डायरेक्शन बताएगा। वाई डायरेक्शन से टाइम का एड्रेस पूछो, टाइम से एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करो। समझ में आई बात? पकड़ना क्या है? टाइम को। पहले टाइम को पकड़ोगे अपने आप आ जाएगा। टाइम कैसे निकाले यही सोच। यहां टाइम का एड्रेस कौन बताएगा? वाई। वाई से टाइम का एड्रेस पूछेंगे, टाइम से एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बताइए? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, या टी कितना है, कैपिटल टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। इसको आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टू यू वाई बाय जी। और ये आप पहले से जानते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत थी क्या आपको? याद है मोशन वन डायमेंशन पढ़ा था, एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे वेलोसिटी u से तो कितने वापस आएगा? 2u by g में वापस आएगा, राइट? हाँ या ना? कितनी देर में वापस आएगा? 2u by g में। और y डायरेक्शन में सब मोशन, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 2uy, सॉरी uy है, तो टाइम कितना लगेगा? 2uy by g, दैट इज 2u sin थीटा by g। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? मैंने इसीलिए कहा था मोशन वन डायमेंशन पढ़ाते वक्त कि बेटा वो वाले फॉर्मूले वहीं याद कर लीजिए, यहां पर आपको नहीं तो बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो आप 2u by g याद करो या 2u sin theta by g याद करो, आपकी चॉइस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हमको मोशन कहां से कहां तक का कंसीडर करना है? सिर्फ यहां से यहां तक का। और h किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, x का कि y का? अबे h किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक? y का है ना, तो किसके बारे में बात करनी चाहिए? y डायरेक्शन के बारे में बात करनी चाहिए। अलोंग y लिखेंगे फिर से, यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। ए वाई कितना है? माइनस जी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी जीरो होती है, यू कॉस थीटा होती है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कितनी होती है? तो इसलिए वी वाई कितनी होगी? समझ में आई बात? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर कभी तो आप जीरो लिख देते हो, कभी जीरो नहीं लिखते हो। अबे यहां वी वाई जीरो लिख रहा हूं, वी जीरो नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस एच। यही तो निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाए? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। हमने जैसे ही अप्लाई किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, क्या आया? जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। दिस इंप्लाइज हाइट h कितना आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। इसको आप यू वाई स्क्वायर बाय टू जी भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? और ये आपको पहले से याद था कि नहीं था? यू स्क्वायर बाय टू जी मैक्सिमम है। नहीं याद था तो गधे हो, याद करो। ठीक है, समझ में आई बात? अगर मैं एक पार्टिकल को सीधे ऊपर फेंक दूं वेलोसिटी u से, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आता था? वो यू स्क्वायर बाय टू जी। मैंने उस वक्त बोला था याद कर लो, लेकिन आप नालायक हो और मुझे लगता है इन सबके भी फॉर्मूला टेस्ट लेना पड़ेगा। अभी बचा हुआ है ना कुछ वेक्टर बचा हुआ है, मोशन का पुराना वाला बचा हुआ है, उसका तो कोई फॉर्मूला दिया नहीं था मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ गया। ठीक है, अभी और आएंगे फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला टेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, चलो समझ में आ गया मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी। मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय टू जी आ रहा है इस तरीके से। देखो आप हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिए, x डायरेक्शन के लिए अलग, y डायरेक्शन के लिए
अलग, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है? कॉपी कर लो फटाफट, अभी रेंज बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक चीज और बची है फिर, रेंज निकालना। तो रेंज के लिए क्या करोगे? रेंज का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा? क्या एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ या ना? ना, है ना? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है? यू कॉस थीटा। क्या हमें टाइम पता है? तो क्या मैं रेंज निकाल सकता हूं? क्या हो जाएगा रेंज? यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू यूएक्स इंटू टू यू वाई बाय जी, दैट इज इक्वल टू टू यूएक्स यू वाई बाय जी, टू यूएक्स यू वाई बाय जी। या फिर रेंज वैसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू टू यूएक्स यू वाई, कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देख सकते हो ना आप, यूएक्स की जगह लिख दिया यू कॉस थीटा, यू वाई की जगह लिख दिया यू साइन थीटा। अब देखो जरा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा। ये कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो रेंज के दो फॉर्मूले आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अलग से लिख लीजिएगा, यहां पे जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है? अंत में अलग से लिख लीजिएगा, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई बाय जी। क्या हो जाता है आप लोगों को? सबने कॉपी कर लिया है? आगे बढ़े। ओके, तो इसके अब तीनों के फॉर्मूले एक साथ अंत में अलग से लिख लेंगे कॉपी में अपनी, जहां पे भी लिखते हैं आप लोग। क्या है फॉर्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल टू टू यू वाई बाय जी। और क्या है आपका? मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। और रेंज आर इज इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई बाय जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। देखिए ये फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, इवन इफ आप सब कुछ लॉजिकली सॉल्व करते हो तब भी आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूले वैलिड कब हैं? फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, सिर्फ इसी के लिए ये फॉर्मूले वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूले वैलिड ही नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए, ये तीनों चीजों के फॉर्मूले और कंडीशन। कॉपी कर लिया? तो फटाफट मॉड्यूल का अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। हो गया, आंसर आ गया सबका? क्या आया? टाइम इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय जी। तो टू इंटू थर्टी इंटू साइन, ध्यान दीजिएगा सबने गड़बड़ कर दिया, तीन सेकंड जिसने बोला, थर्टी सेकंड, थर्टी डिग्री विद वर्टिकल है, समझ में आया? ये क्या है? थर्टी डिग्री विद वर्टिकल है ये, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? 60 डिग्री, समझ में आया? डायग्राम बने हुए होने में और लिखे हुए होने में कितना अंतर होता है? हाँ, कितने लोगों ने सही किया बताना जरा? एक ने भी नहीं। तुझे फॉर्मूला याद कर रखा है और सीधे चिपका दिया, देखा भी नहीं क्वेश्चन में दे क्या रखा है। 2 इंटू थर्टी इंटू साइन 60 डिग्री, ये समझ में आया? 30 डिग्री वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल हुआ।